दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीयू के पार्ट्स के बारे में कि सीपीयू में जो पार्ट्स होते हैं उनका काम क्या क्या होता है और कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और इंटरनल पार्ट्स कौन से होते हैं और एक्सटर्नल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पार्ट्स ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है सीपीयू की फ्रंट साइड और बैक साइड। जो आप ये देख रहे हैं सीपीयू की फ्रंट साइड है और ये जो पार्ट्स हैं ये सीपीयू की बैक साइड है। बैक साइड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि आता है हमारा कंप्यूटर केस। कंप्यूटर केस में अगर इसमें कोई भी पार्ट नहीं लगा होगा तो ये एक खाली कैबिनेट है, कंप्यूटर पार्ट है, एक खाली डिब्बा है। पार्ट्स इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो हमारे पास आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में ब्रीक ब्रीक कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिसमें आपका प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक कार्ड्स, वीडियो कार्ड, लैंड कार्ड, LCD, कीबोर्ड, माउस, मल्टीपल जो कंपोनेंट्स हैं सभी इसमें अटैच्ड होते हैं। और इसको जो पावर देता है वो है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई जो है आपके मदरबोर्ड को पावर देता है और वही पावर जो है वो आगे सभी कंप्यूटर के पार्ट्स में डिवाइड होती है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है वो आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतनी ही अच्छी आपके कंप्यूटर की स्पीड होगी। और ये है आपका प्रोसेसर फैन। प्रोसेसर फैन जो है वो आपके प्रोसेसर को हीट होने से बचा के रखता है, क्योंकि अगर ये प्रोसेसर फैन वर्क नहीं करेगा तो आपका कंप्यूटर जो है वो हर एक मिनट के बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेसर बहुत जल्दी हीट होता है। तो उसी हीट को ख़त्म करने के लिए इस पर ये फैन लगाया जाता है। उसके बाद आपके पास आता है रैम। रैम एक टेम्प्रेरी मेमोरी है, इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। जब तक आपका कंप्यूटर रन कर रहा है आपने कोई भी एप्लीकेशन, कुछ भी आप जो काम कर रहे हो वो PC में ही सेव होती रहती है। नेक्स्ट आता है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में आप मल्टीपल डाटा जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। सपोज लाइक वीडियोस, गेम्स, सॉफ्टवेयर, सॉन्ग्स, एवरीथिंग, कुछ भी जो भी आपका डाटा वो आप इसमें सेव करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क के बाद आता है आपका DVD राइटर। DVD राइटर में आपके पास कोई भी CD या DVD है जिसमें वीडियो, सॉन्ग्स, गेम्स, सॉफ्टवेयर कुछ भी हैं वो आप इसमें रख के प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास मदरबोर्ड। ए मदरबोर्ड प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। जो मदरबोर्ड है वो हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच में जो है कनेक्टिविटी बनाती है, लाइक द प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, वीडियो कार्ड, ये सभी जो हैं ये इस कनेक्टिविटी का एक पार्ट हैं। देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड डिज़ाइन टू फिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज एंड कंप्यूटर। जो मदरबोर्ड है काफ़ी तरह के आते हैं, वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के साइज़ के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका SMPS। ये स्विच मोड पावर सप्लाई इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो SMPS है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो पावर यूजिंग स्विचिंग डिवाइस दैट आर टर्न ऑन एंड ऑफ एट हाई फ्रिक्वेंसी। जो भी एक बहुत ज़्यादा कई बार बिजली आ जाती है तो उसको ये आगे कन्वर्टर के भेजता है ताकि जो है हमारे मदरबोर्ड को प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, जिससे कि हम कंप्यूटर पर काम कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसेसर। द सेंट्रल प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर इज ऑल्सो नन एज द CPU। इसको CPU भी बोला जाता है। एक्चुअल में नेम इसी को ही CPU हम बोलते हैं, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोला जाता है। दिस प्रोसेसर हैंडल एट द बेसिक सिस्टम इंस्ट्रक्शन सच एज प्रोसेसिंग माउस एंड कीबोर्ड्स इनपुट एंड रनिंग एप्लीकेशन। जो आपका माउस है, कीबोर्ड है, या जो भी आपकी एप्लीकेशन रन कर रही है वो सभी आपके प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेसर फैन। ए फैन लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ए कंप्यूटर प्रोसेसर। जो ये प्रोसेसर है इस प्रोसेसर के ऊपर ही ये फैन लगा होता है। इट हेल्प कूल एंड बिलो हॉट एयर ऑफ द प्रोसेसर हेल्पिंग कीप इट कूलर। और ये आपकी जो प्रोसेसर को है वो हीट होने से बचाता है, एक बिल्कुल ठंडा करके रखता है, जिसकी वजह से आप जो कंप्यूटर पे है लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, से रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है एंड इज प्रोनाउंड रैम, और इसे प्रोनाउंड में रैम भी कहा जाता है।
रैम इज ए कॉमन हार्डवेयर कॉम्पोनेंट फाउंड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इंक्लूडिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन. इन्हीं सभी में ये आपको रैम देखने को मिलेगी. नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क स्टैंड एच डी डी स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव एंड इट इज यूज फॉर स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन योर कंप्यूटर लाइक फोटोज वीडियोज गेम्स सॉन्ग्स सॉफ्टवेयर. इसमें आप मल्टीपल डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं फोटोज वीडियो सॉन्ग्स गेम्स सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा. नेक्स्ट आता है आपका डीवीडी राइटर. द डीवीडी राइटर इज ए मल्टीपर्पज राइटेबल ड्राइव दैट कैन रीड ऑडियो डाटा एंड वीडियो फाइल्स एंड कैन रिकॉर्ड और राइट इन बोथ सीडी एंड डीवीडीज फॉर्मेट. ये सीडी और डीवीडी फॉर्मेट में जो भी आपका डाटा है वीडियोज ऑडियोज सॉफ्टवेयर गेम्स कुछ भी है वो उसे राइट करता है और उसको प्ले होने में आपकी हेल्प करता है. तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू.